पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जिस तरीके से महिला पुरुष के संबंध में बताया, वो बातें उन्होंने कही कि महिला पुरुष किस तरीके से जो है शादी के बाद करते हैं और क्या कुछ होता है, ये बयान उनका बिहार ही नहीं बल्कि देश भर की राजनीति में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार के कल के इस बयान के बाद आज विधानसभा शुरू होने से पहले ही काफ़ी हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विधानसभा को घेर लिया। नीतीश कुमार जिस रास्ते से अंदर जाते हैं सदन के अंदर, उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक लेट गए। चर्चाएं तेज हो गई। नीतीश कुमार ने हालांकि पहले बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए माफ़ी मांग लिया, लेकिन अंदर भी जाने पर नीतीश कुमार को जो है वो राहत नहीं मिली। अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमकर विरोध कर दिया। हंगामा हो गया। हंगामा होते देते नीतीश कुमार ने हालांकि माफ़ी तो मांग ली। उन्होंने कह दिया कि हम भी शर्मिंदा हैं इस बयान के बाद से, अगर किसी को आहत हो रही है तो हम अपना बयान वापस लेते हैं। अब इस बयान की चर्चा जो है देखिए देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा हो रही है। देश के कई जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो अब इस पर अपना वक्तव्य रखते हैं। इस क्रम में असदुद्दीन अवैसी, जो AIMIM के मुखिया हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के इस बयान पर जमकर निंदा की है। नीतीश कुमार की उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से बयानबाजी करना एक बिहार के मुखिया को या किसी भी राज्य के मुखिया को शोभा नहीं देता है। असदुद्दीन अवैसी ने एक तरीके से नीतीश कुमार को हड़काया भी है। क्या कह रहे हैं अवैसी, जरा सुनिए। नहीं देखिए, विधानसभा जो होती है एक बड़ी सेक्रेट जगह होती है। वो एक आम रोड पर बैठकर या किसी घर में, घर की चारदीवारी में बैठकर गुफ्तगू करने की जगह नहीं है। वो उसका एक मुकाम होता है, उसका एक इकबाल होता है, और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहां पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज्यादा पढ़ेंगी वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो तय करेंगे, मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। ये कोई रोड पर आप नहीं बैठे थे। ये तो समझना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से अगर वो बता रहे हैं, तो फिर जो जिस तरीके से हमारे पास पुरुष हैं जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, आप तो उनको पैगाम दे रहे हैं। इस बात का क्या मैसेज दे रहे हैं आप? भाई आप कुछ भी, आप जो भी आप बोलेंगे या प्रोग्राम करेंगे, मकसद तो ये होता ना कि भाई महिलाओं को ताकतवर बनाया जाए, उनको शिक्षा मिले, उनको समाज में और उनको ताकतवर हो, मुकाम मिले। मगर बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने उस चीज को बयान किया है। मैं तो डिमांड करता हूं कि नीतीश कुमार विधानसभा में अपने उस अल्फाज को वापिस लें, और ये बहुत ही गलत मैसेज बिहार के महिलाओं को, देश के महिलाओं को नीतीश कुमार ने दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।